नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही जेडीयू और एलजेपी में जो तकरार चल रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया पटना सिविल कोर्ट में। उनके ही पार्टी के नेता केशव सिंह, जो पूर्व में एलजेपी के सदस्य थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। जेडीयू ने इसके पहले चिराग पासवान को दो बड़े झटके दे दिए थे, एक केशव सिंह के रूप में और एक राजकुमार सिंह के रूप में, जिनको अभी कुछ दिन पहले ही जेडीयू में शामिल कराया गया है। और इस मुकदमे के अनुसार, मिली जानकारी के अनुसार, दर्ज मुकदमे में केशव सिंह ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में कई नेता को प्रत्याशी बनाने के लिए सदस्य जोड़ने को कहा था और पैसे 2-2 लाख रुपये जमा करने को पार्टी फंड में कहा था, और जिसके एवज में 94 नेताओं ने इस मांग को पूरा किया। और केशव सिंह ने ये आरोप लगाया है कि पैसे जमा करने और प्रत्याशी, जो प्रत्याशी थे, वो सदस्यता अभियान के तहत सदस्य बनाने के बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया है और बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है। इसके पहले भी केशव सिंह इस पर चिराग पासवान पर आरोप लगाते रहे हैं और फिर से उन्होंने इस आरोप के आधार पर केस दर्ज कराया है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं और इस पर चिराग पासवान क्या एक्शन लेते हैं, क्या सफाई देते हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। वह मुफ्त में मिल जाएगी। अगर वह पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।